सरहद की सुरक्षा हो या फिर दुश्मन द्वारा बिछाए गए माइंस को डिटेक्ट करके उसे निष्क्रिय करना हो, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। और डीआरडीओ जो है वो अलग अलग तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए तकनीक का इजाद करके देश की सरहदों को सुरक्षित रखने में भरपूर योगदान दे रहा है। हमारे सामने एक खास तरह का एक माइंस सिस्टम है जो उन इलाकों को डिफेंड करेगा जहां पर सैन्य बल यानी कि मानव पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, तो मानव रहित इलाके की सुरक्षा करने के लिए ऐसे तकनीक तैयार किए गए हैं जो उन इलाकों को गार्ड करने का काम करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जगत पी सिंह हैं। सर, आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है? हमने ये एक सिस्टम बनाया है, इसका नाम मैकेनिकल माइन लेयर है। सो ये ऐसी माइन ले करता है जो टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको हम एंटी टैंक माइंस बोलते हैं। सो द माइन विच वी आर लेइंग इज एनडी मार्क 3 विच आर एंटी टैंक माइंस। एंड इफ़ यू सी द स्पीड ऑफ द माइन लेइंग, इट्स अच्छा, अगर आप माइन लेइंग की स्पीड देखिए तो वो इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। वो एक रात के टाइम में करीब 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो कवर कर सकती है। इट मीन्स एक बार आपने इक्विपमेंट में माइन लोड कर दी और आप उस इक्विपमेंट से पूरी रात में 10 किलोमीटर माइन आप बिछा सकते हैं। इस इक्विपमेंट को डेवलप करने से पहले ये काम मैन्युअली होता था जिसमें बहुत सारा सैन्य बल, बहुत सारे लोग लगते थे और उसका जो रेट होता था वो भी बहुत कम होता था। लेकिन इसकी हेल्प से हमने जो आदमी का इन्वॉल्वमेंट है वो हटा दिया है, जिससे आदमी को रिस्क नहीं है, जवानों को रिस्क नहीं है, सारा काम बिल्कुल ऑटोमेटिक है। और इफ़ यू सी, अगर इसकी वर्किंग देखिए आप, तो इसकी वर्किंग भी फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसमें माइन कंटेनर्स के अंदर रखी हुई है, फ्रॉम द कंटेनर्स टू द ट्रेंचर, आई मीन जिसमें हम माइन डाल रहे हैं, कंप्लीट पाथ इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। सो कहीं पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है एंड हमें इससे रेट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, तो इसे सर कितने लोग ऑपरेट कर पाते हैं और इसको किस तरीके से, इसके ऑपरेशन में कितने लोग लगते हैं? जैसे कि 10 किलोमीटर का ये इलाका है तो इसकी स्पीड क्या रहती है वैसे अगर बता? हाँ, तो इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 4 लोग चाहिए होते हैं, जिसमें से एक ड्राइवर होता है, बाकी 3 उसकी सहायता करने के लिए होते हैं। और इफ़ यू सी, पूरी रात में ये टोटल 1000 माइन बिछा सकता है। 1000 माइन मतलब इसने 6 किलोमीटर का दायरा कंप्लीट कर लिया। और अगर आप इसको रिफिल करते हैं तो हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जहाँ पे माइन ले करते हैं उस लोकेशन को हम बहुत एक्यूरेटली मार्क भी करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने ही लोग जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो अपने लोग ही जाकर उस माइन को रिट्रीव करते हैं। अगर उनको सही तरीके से माइन की लोकेशन नहीं पता होगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस संभावना को हमने एक्यूरेटली माइन मार्क करके पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तो इस तरह से ये और भी ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। अच्छा सर, एक सवाल इसको लेकर है, चूँकि माइन्स हम बिछाते हैं तो ये माइन्स जो है उसकी एक्यूरेसी क्या है कि माइन्स बिछा दिया, ये कैसे हम उसे क्रॉस चेक भी करने का एक तरीका रहता होगा कि ये सक्सेसफुली हमने इसको ऑपरेट कर लिया है यहाँ पे? एक्चुअली माइन एक ऐसा हथियार है जो खुद दुश्मन पे वार नहीं करता। दुश्मन अपने आप उस माइन के ऊपर आता है, उस माइन के पास आता है, तब वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो एंटी टैंक माइन है वो आदमियों के आने से वो डिटोनेट नहीं होती, बिकॉज इनको एक्चुएट करने के लिए हमें 150 से लेकर 200 किलो तक का वेट चाहिए होता है, जो कि सिर्फ एक टैंक या एक गाड़ी दे सकती है। तो इस तरह से ये एक स्मार्ट माइन है विच विल डिस्ट्रॉय ओनली टैंक्स और सम हेवियर व्हीकल। इसे आर्मी अभी इस्तेमाल में ला रही है, ये ट्रायल फेज में है या क्या है? इसके ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, ये आर्मी ने इसका RFP ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो बहुत जल्दी इसका प्रोडक्शन ऑर्डर भी निकलने वाला है। तो देखिए तकनीक किस तरीके से लगातार इजाद किए जा रहे हैं, और अभी तक सिर्फ बात थी कि माइंस से बचा कैसे जाए, अब बात इसके आगे की हो रही है कि माइंस को बिछा कैसे दिया जाए और आपके लोगों का इस्तेमाल भी कम से कम हो, इससे कैजुअलिटी और एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को भी अच्छे से टाला जा सकता है और सुरक्षित तरीके से माइंस प्लेस भी किए जा सकते हैं।